हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्ला हैमर, स्लेज हैमर, पावर हैमर और शाफ्ट हैमर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्ला हैमर को देखते हैं। क्ला हैमर का एक फिगर बना हुआ है, इसमें फेस होता है, फेस के अपोजिट साइड में क्ला होता है, मतलब स्लाट कटा होता है पतले प्लेट में। इसका उपयोग हम लोग कील के हेड को फंसा कर उसको निकालने के लिए करते हैं। इसका उपयोग अधिकतर कारपेंटर द्वारा किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा हैमर है जिसमें पिन नहीं होता है। यहाँ पे एक फेस चपटा है और दूसरा फेस पतली पत्ती के समान होता है, इसमें पिन नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि क्ला हैमर एक ऐसा हैमर है जिसमें कि पिन नहीं होता है। स्लेज हैमर के बारे में देखते हैं। स्लेज हैमर, इसका भार 2 से 10 केजी तक होता है। इसके हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसका उपयोग भारी कार्यों, सीट मेटल वर्क तथा फोर्जिंग के कार्यों में किया जाता है। यह इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाया जाता है तथा भारी और बड़े जॉब को फोर्ज करने में उपयोग किया जाता है। मास प्रोडक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे बहुत बहुत लार्ज नंबर में किसी जॉब को बनाना है तो वहां पे भी पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं शाफ्ट हैमर। शाफ्ट हैमर, जब हैमर के मटेरियल की हार्डनेस जब हैमर के मटेरियल की हार्डनेस जॉब के मटेरियल की हार्डनेस से कम होती है तो इस प्रकार के हैमर को शाफ्ट हैमर कहते हैं। यह किस किस पदार्थ का बन सकता है? लकड़ी का, तांबा का, प्लास्टिक का, नायलॉन का, कच्चा चमड़ा या कठोर रबर से बनाया जाता है। लकड़ी द्वारा बनाए गए हैमर को मैलेट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसकी पूछता है। लकड़ी द्वारा बनाए हैमर को मैलेट कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर धातु चादर कार्यों के लिए किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।